टाइम आ गया भाई चिंटू बिल्डर का, 1 करोड़ का नुकसान हो गया। बताओ यार कैसे डॉक्टर साहब? देखो उसने ऐड दी हुई है अखबार में कि 1 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट है, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए। मैं ले नहीं रहा तो हो गया ना उसका 1 करोड़ का नुकसान। तुम ले रहे हो? मैंने नहीं लेना। 2 करोड़ का नुकसान हो गया, देखो यार खड़े खड़े। अच्छा डॉक्टर साहब नुकसान ऐसे हो रहा है, फिर तो मैं तो कहता हूँ 30-40 बार ना करवाओ। मैं तो कहता हूँ 50 करोड़ का नुकसान होना चाहिए। नहीं इतना नुकसान किसी का क्यों कराना है यार, है ना। शरीफ आदमी है बेटे। मैंने देखा है कि आज कल ना जमाना बहुत ज्यादा खराब हो गया है। देखो ये देखो न्यूज, कच्चाधारी गैंग है ना, उसने 25 लाख रुपए का डाका डाला है। अच्छा तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पैसे है ना, मैं किसी अच्छी जगह रखा दूं उसको। रखा दो रखा दो रखा दो। ये यहाँ पे अपना पिगी बैंक कब खुल गया यार? आज ही खुला जी, और मैं उसमें मैनेजर लग गया हूँ। ओहो वाह 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 वाह, भाई हमारे बैंक में डॉक्टर मशहूर लगे हैं, कैसे हैं आप? अरे अरे तुम ये पोस्टमैन बन के क्यों घूम रहे हो भाई यहाँ पे? पोस्टमैन नहीं, मैं चपरासी हूँ बैंक का। छाती छाने करके जो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी शो में सिद्धू जी लग गए हो। डॉक्टर साहब पहली बार हमारे बैंक में आए। हाँ। क्या कौन सा खाता खोलूं आपका, बचत खाता खोलूं या सेविंग खाता खोलूं, चालू खाता खोलूं? मैं तो यहाँ पे छाता ना खोलूं, तुम खाता खोल लेगी बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब क्या बकवास कर रहे हैं? आपको पता है दूसरे बैंक 5 साल में पैसा डबल करके दे रहे हैं, हम 5 घंटे में पैसा डबल करके दे रहे हैं। 5 घंटे में? हाँ जी। तो फिर तो मैं अपना सारा पैसा यहाँ जमा करा दूंगा। फटाफट करा दीजिए फटाफट। ये लो मेरा 150 रुपया। पैसे जमा करवाने के लिए आए कि रिचार्ज करवाने के लिए आए? देखो मैं पहले चेक कर लूंगा। क्या? अगर मेरा पैसा तुमने डबल कर दिया तो मेरे पास जितना भी सारा 1500 रुपया मैं सारा जमा करा दूंगा। एक बार डॉक्टर साहब, जब आपके यहाँ कोई हार्ट का ऑपरेशन करवाने आता है तो पहले आपके से जुकाम का ऑपरेशन करवाता क्या हो? नहीं, हमारे यहाँ कोई जुकाम का आता है तो हम उसका हार्ट का कर देते हैं। वी आर डिफरेंट। बट जो भी कहो, मुझे कहीं कहीं तुम लोगों पे यकीन भी है, इसलिए ये लो 1350 रुपये, 150 आ गया, टोटल हो गए 1500। मेरा 1500 जमा करा दो। अच्छी बात है, 1500 रुपये आपका जमा हाँ हो गया। चलिए फटाफट निकलिए। नहीं निकले नहीं, मैं वो जो अपना स्लिप है वो तो। किस चीज की स्लिप? 1500 रुपये जमा करा रहा हूँ यार। जब दुनिया में आए थे स्लिप लेके आए थे, नंगे आए थे ना? कोट पैंट पहन कर कौन आता है? नंगे आते हैं ना, कोट पैंट पहन के कौन आता है? सिद्धू जी नहीं, ऐसे सवालों का जवाब वो देंगे, मुझे नहीं पता। चलो आपके पैसे हो गए जमा, फटाफट निकलिए, चलिए और भी लोग आने वाले। चलो 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 ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, मैं शाम को आता हूँ है 4 बजे, मेरे पैसे रेडी रखना। रेडी रेडी रेडी। ओके ओके ओके। वाओ यू गाइस रॉक। थैंक यू। नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं, रॉक मतलब कि तुम्हारी पत्थर जैसी बुद्धि है। स्कूल में कभी किताब तो खोली नहीं और आज आप इतना बड़ा बैंक खोल दिया। ये तो कुछ भी नहीं, आज एक बैंक खोला, कल हमने 10 खोल लेने हैं, परसों हमने स्विस बैंक भी खोल लेना है। अच्छा, बात बताइए ये बैंक खोलने की क्या जरूरत थी आपको? मैडम मैनेजर मैं हूँ, मुझसे बात कीजिए। अच्छा हाँ जी, जाके चाय लेकर आओ मेरे लिए। मैनेजर मैं हूँ जी, बताइए। चाय आप लेकर आइए, मैनेजर मैं हूँ, मुझसे बात कीजिए। शक्ल नहीं ना मैनेजर वाली, तो वो क्या करे, आओ बैठो। मुझसे बात कीजिए, बताइए। अच्छा तो मैनेजर साहब ये बताइए कि डॉलर का क्या भाव चल रहा है आजकल? डॉलर? हेलो, जवाब तुम दो, चाहे मैं लेकर आता हूँ। जी मैडम बताइए, कौन सा अकाउंट खोलूं आपका? आपके मेरे अकाउंट खोले लगे? हम बैंक एम्प्लॉई हैं, हम नहीं अकाउंट खोलेंगे तो कौन खोलेगा? देखिए वैसे मेरे बॉयफ्रेंड्स बहुत हैं, मैं आपको ये बता दूं, आई मीन टू से दैट मैं बहुत ही खुले हुए विचार रखती हूं, लेकिन बैंक में मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है, क्योंकि मैं तो पैसे डाकघर में जमा करवाती हूं ना। मैडम विराट कोहली का जमाना चल रहा है, आप राणा तुंगा पे पैसे लगा रही हैं। इधर जमा कराइए हमारे बैंक में, 5 घंटे में पैसे डबल और 6 घंटे में खत्म। ओह मां मां, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक अ यू नो चीयरलीडर वेरिंग अ टॉप एंड जॉनी जॉनी। यस पापा, विराट का नाम लेके मैंने मना लिया आपने मुझे। विराट का जादू ही ऐसा है मैडम, वो सब मान जाते हैं, उसने अनुष्का को दोबारा मना लिया, पता। अच्छा बताइए आप कौन सा अकाउंट खुलवाएंगे, आप करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट? दोनों में क्या फर्क है? फर्क मेरे को, मैं बता देता हूं, मेरे को भी आईडिया पूरा। इधर आइए फटाफट आइए फटाफट, उंगल दीजिए अपनी उंगली, उंगली दीजिए। हां ओके, मेरे को यह चेक करना था कि यही करंट अकाउंट है ना। हाँ जी बताइए बताइए फिर मैडम, करंट अकाउंट है कौन सा अकाउंट है? अरे
क्या बताऊँ, ये करंट अकाउंट है तो इस हिसाब से ये सेविंग किट पड़ी यहाँ पर, तो ये सेविंग अकाउंट हो गया। आपको तो सारी बैंकिंग आती है, आपको तो बताइए आप फटाफट कौन सा अकाउंट खुलाना है। देखिए ऐसे में करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकती हूँ, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा मेरे बैलेंस में पैसे कितने हैं। एटीएम मशीन, एटीएम मशीन नहीं है आपके बैंक में? एटीएम मशीन जी, वो देखिए वो क्या है। Very nice and very impressive. Okay, ATM card is this, and wow, 50 kg? अरे ये तो weight है मेरा, आपने धोखा किया है, मतलब ATM machine की जगह weight machine रख दी। देखिए मैडम अभी हमारा बजट थोड़ा कम है, हमने सोचा कि जैसे जैसे पैसे आएंगे और बढ़ा देंगे। आप आइए अकाउंट खोलें, आप आ जाओ आ जाओ फटाफट। माय गॉड, योर लॉजिक इज लाइक अ बाबा ब्रेकशिप गुलगुल अंडा। बोर्ड मेंबर्स की बात करें, लग रहा है बहुत बड़ा बाप का बैंक है, लेकिन सर दो जन दिख रहे हैं आप, मतलब सिक्योरिटी वगैरह के लिए कौन है यहाँ पर? सिक्योरिटी मतलब क्या है, 14 कैमरे लगे हुए, सिद्धू जी देख रहे, साथ में पूरी कंट्री देख रही, और क्या सिक्योरिटी चाहिए आपको? एक बात बताइए, ये लॉजिक आप घर पे बनाते हैं या ऑर्डर पे बनवाते हैं? ये तो डिपेंड करता है जी, डिमांड कितनी है। ये तो 200 कप जो चाय बनाते हैं उनके लिए 2-4 लॉजिक बनाना मामूली बात है। अपनी शक्ल से भी घटिया बात की है इसने, इस पर तो मैं 2 साल के लिए बैन लगा दूंगी। आपके हेड कहाँ है? हेड वो है, वो बाहर है। आपके हेड का नाम क्या है? माल्या। जाज माल्या? जाज माल्या। ये क्या नाम हुआ? देखिए वो अखबारों में आता ना जैसे उल्टा सीधा एक समान, हाँ। वो आप फोटो कहीं से भी देखें आपको सेम नजर आएगी। ऐसे करोगे बुढ़ा तो भी, हाँ। देखो तभी बुढ़ा। देखिए वो आप नाम में क्या रखा है मैडम, काम देखिए ना आप, 5 घंटे में पैसे डबल कर देते। 5 घंटे में ऐसे कैसे? वो रिस्पेक्टेड जुआरी हैं जी। ना बाबा ना ना ना, मैं ऐसे जुआरियों के बैंक में तो पैसा नहीं जमा करवा रही मैडम। बंदा जेल में मेहनत कर रहा है आपके लिए, मैडम जेल में बैठा बैठा अंदा आपके लिए पैसे कमा रहा, 5 घंटे में पैसे डबल कर रहा है, मैंने जुड़ा कमा रहा आपका। देखिए टैलेंट कुछ नहीं होता, आपके टैलेंट की कदर करने लगे तो यहाँ पे गदर मच जाएगी। मैं नहीं करवा रही, मेरे पैसे इधर उधर हो जाएगा भाई। हो ही नहीं सकता मैम, आप एक काम कीजिए, आप अपने नोटों पे निशानी लगा दीजिए। अच्छा अब मैं बैठ कर एक एक नोट पे निशानी लगाऊं? एक काम करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, जैसे ये नोट है ना इस पे आपकी फोटो लगा के देंगे हम। व्हाट? हां यार द लॉजिक इज गोइंग लाइक इट इज एसिडिटी ऑन माय लंग्स। थैंक यू, शट अप। आप क्या अपने फ्रॉड करते, नकली नोट छापते? नकली नोट? एक मिनट, 500 रुपए। आप जैसे कस्टमर्स को पीटने के लिए ना मैंने 2 बाइयां रखी बाहर 6-6 फीट की। देखो मैडम नकली नोट, नोट कौन छापता है? सरकार। सरकार को रूम बनाता है हम, अगर हम सरकार बना सकते 2-4 नकली नोट नहीं छापने का हक है हमें। तो फिर हमारे इमोशन समझो मैम, क्या कर रही हैं आप? चलिए ठीक है, I'm convinced. लेकिन आपके बैंक में तो लॉकर ही नहीं है, पैसे कहाँ रखेंगे आप? अरे क्या बात करी, इधर चोर जेब, चोर जेब इतनी टाइट है ना, देखो मेरा हाथ अपना नहीं जा रहा। अब एक बार इधर पैसे रख लेते उसके बाद मजा ले, हम लोग खोल दे। मैं पैंटी नहीं खोलता इस चक्कर में, अब यकीन नहीं करेंगे मैंने 92 में पहनी थी ये, तब से मैं इसको धोने के लिए भी खुद वॉशिंग मशीन में घुसता हूँ, ऐसे घूमता हूँ, सूख के बाहर आता हूँ, लेकिन पैंट नहीं मैंने उतारी। लाइए पैसे, ये लीजिए मेरे 1,00,000 रुपए, संभाल के रखिएगा। बिल्कुल ऐसी जगह संभाल के रखूंगा आप भी नहीं निकाल पाएंगी। क्या? अरे मेरा मतलब आप मेरी पैंट में हाथ डालती अच्छी लगती है। नहीं 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 नहीं, सुनो मैडम को चाय वाय ना पिलाना, मैं पैसे रख के आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाइए। चलिए मेरे पैसे तो जमा हो गए, डोंट वरी, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी आपने। जी 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 जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैनेजर मैम मुझसे बात कीजिए। या जी, मेरे 3,000 रुपए। मैंने कहा है बात कीजिए, आप भीख मांगने लग पड़े हैं। देखो अगर तो तुम ये मजाक कर रहे हो ना तो मेरे को हंसी बिल्कुल नहीं आ रही। मेरे पैसे निकालो। अच्छा स्लिप दिखाइए। स्लिप तो आपने दी नहीं थी ना, वो कह रहे थे भी विश्वास वगैरह है तो फिर उसमें कोई टेंशन नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसे तो कोई भी आकर कहेगा मैंने हमने इतने पैसे जमा करवाए हैं, इतने पैसे हमें दे दिए, ऐसे में तो ये भी कहेंगी मैंने अभी भी 1,00,000 रुपए जमा कराया, मेरा 1,00,000 रुपए दीजिए। मैडम मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके पैसे मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एग्जाम्पल वगैरह मत दीजिए, मेरे पैसे दीजिए वरना मैं जान ले लूंगा। नहीं, क्लासिकल म्यूजिक नहीं गाना आपको, मेरे पैसे देने हैं। हाँ। आप मेरी जान ले लेंगे तो मैं इनके पैसे कैसे दूंगा? अगर इनकी जान ली ना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, बता रही हूं मैं, बता रही हूं मैं। ये कौन लड़ रहा कुत्ते की तरह? क्या हो रहा है भाई साहब? भाई साहब
नमस्कार जी, वो मैं वो आया था, मैंने पैसे जमा कराए थे, आपने कहा था डबल करके दे दूंगा, मैं वही हूँ। आ गया भी है, मैं आ गया। मेरी बंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने मीटिंग में आके बोर्ड मारना। एक सेकंड भाई साहब, आप चिंता रख रहे हैं, आपने अगर पैसे जमा कराए आपके पैसे जरूर मिलेंगे। आपको अपने नोट के नंबर याद है? नोट के नंबर कौन याद करता भाई? गाड़ी का नंबर याद रखते हो ना? अरे लेकिन नोट के बीच में गाड़ी कहाँ से आ गई? आप ना अपना जूड़ा संभालें, आप मेरे काम में दखल ना दें आप। गाड़ी कैसे आती है? नोटों से आती कि नहीं आती? तो नोट, गाड़ी का नंबर याद रखना, नोट का नंबर नहीं याद रखना। आप लोगों की वजह से रुपया तरक्की नहीं कर रहा, यू रेसिस्ट। मेरे पैसे दे दो। मेरे पैसे दे दो। नहीं यार, बकवास बंद करो। मेरे पैसे दे दो। थोड़ा कहाँ गया मेरा? नहीं, मैं जान दे। 12 नंबर काउंटर पे जाइए, अपने पैसे वहां से ले लीजिए। ओके। हेलो, 12 नंबर काउंटर पे कोई नहीं है भाई। आपको नौकरी चाहिए? मुझे क्यों नौकरी चाहिए होगी? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, मैं आपको नौकरी ऑफर कर रहा हूँ, आपको नौकरी नहीं चाहिए? अरे लेकिन मैं तो टीचर हूँ। टीचर हूँ टीचर, तुमसे बच्चे पढ़ पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन गए, तुम टीचर की टीचर ही रहना। तुम्हें खोया मिल रहा है, दूध का भाव पूछ रही हो। चलो 12 नंबर को। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। पेन मारो जूड़े पे। अरे यार, जबरदस्ती की नौकरी मिल गई मुझे। कांग्रेचुलेशन, आपकी नौकरी लग गई। मेरे पैसे दे दीजिए। अरे ये पैसे मांग रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, मेरे को मत लाओ। अरे मेरे पास पैसे नहीं, और पैसे भी पैसे तो कैशियर देता है ना, कैशियर। तो मान लो ना आप कैशियर हो। अरे ऐसे कैसे मान लो मैं? स्कूल में तुम बोलती नहीं बच्चों को कि मान लो राम ने शाम को पैसे दिए, और अगर अपनी बारी आई तो मुकर्री ऐसे कैसे दे रहे? ज्यादा बकवास किया तो उल्टे हाथ का दूंगी मैं। यार पैसों के अलावा तुम सब कुछ दे रहे हो। अगर तुमने पैसे ना दिए तो फिर मैंने गाली दे देनी है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, फटाफट इधर आइए। आपको अपने पैसे चाहिए ना? हाँ। ये फॉर्म पे साइन कीजिए फटाफट, इतना टाइम नहीं मिले। फॉर्म पे साइन कीजिए। मैं अपने पेन से करूंगा। अपने पेन से कर दो यार। ए, मैंने साइन कर दिया। बारक हो भाई, आपके 1500 जमा थे। हाँ जी। उसके हो गए 3000। हाँ जी। ठीक है। हाँ, और जब 1500 आपने जमा करवाया था, हाँ जी, उसमें से 1250 चले गए गरीब बच्चों की डोनेशन के लिए। बच्चे 250 रुपए, 250 का हमने 500 कर दिया, और दोनों 250 अलग अलग रखे हैं, देखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। हेलो, एक तो तुम मुझे ये 500 रुपए दे रहे हो, ऊपर से इसके ऊपर जेनिफर लोपेज की फोटो लगी हुई है। ओहो, लगता है आपके पास डॉलर आ गया है। डॉलर आ गया आपके पास? नहीं यार, उसके ऊपर 500 रुपया लिखा हुआ है। 500 डॉलर आ गया होगा यार, इसमें क्या है? इतनी सुंदर हीरोइन की फोटो लगी है, तुम 500 रुपए देख रहे हो? लालची कहेंगे, दबा जाओ यहाँ से, पढ़ो इसको, ये चाहिए ना, मैं ये भी रख लिया बैंक में। चलो हमारा हम 2 मिनट देते पैसे, अगर कस्टमर नहीं लेता तो कैंसिल हो जाता है। मैं समझ गया, मैं तुमको देख लूंगा। आई एम डॉक्टर मशहूर की लालची। पैसे तो मैं अपने लेके रहूंगा। कितना बुलडॉग जैसा मुंह बनाया तुमने, कितना गंदे लग रहे हो तुम। छी, तुम्हारा अकाउंट बंद, तुम्हारा कॉपी फाड़ देनी मैंने। आप लोगों ने गलत किया है, धोखा दिया उसे। मैंने 500 दिया, धोखा कर दिया? देखिए आपका फॉर्म भरने का टाइम हो गया, फटाफट ले लो, नहीं तो आपका भी यही हाल ना हो। चलिए अंदर, आपका मैनेजर वेट कर रहा है, चलो चलो फटाफट। हेलो, कप्पू शर्मा, कप्पू शर्मा, क्या नाटक चल रहा है, क्या नाटक चल रहा है? आपका नाम? मेरा नाम, मैं तुम्हारे पड़ोस मोहन। बैंक में कोई रिलेशन नहीं, नाम बताओ। मेरे बैंक से कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं मेरा गाड़ी बाहर पार्क किया था, अभी मैं गाड़ी लेने के गया, उधर गाड़ी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज देखा तो मैंने देखा कि तुम मेरा गाड़ी लेके जाता है। सीसीटीवी में देखा कि गाड़ी लेके जाता है? नहीं तो क्या गाड़ी में देखता है, सीसीटीवी लेके जाता है? मैं सीसीटीवी में नहीं, सोनी टीवी में देखा होगा। वही देखा होगा, लेकिन तुमने मेरा गाड़ी क्यों उठाया? आपने लोन नहीं भरा, आपकी गाड़ी जब्त कर ली गई है। मैंने लोन लिया ही नहीं तो आपने गाड़ी जब्त क्यों किया? वैसे भी मेरा बिजनेस के लिए कोई भी बैंक लोन नहीं देता है,
उसके ऊपर जब लोन नहीं लिया तब तुम मेरा गाड़ी उठाया, अगर मैं लोन लेगा तुम के मेरा लुंगी उठाएगा। आपने लोन नहीं लिया लेकिन हमने तो दिया। कैसे कैसे देगा, वो गाड़ी तो मेरा अप्पू ने मेरे को दिया और अप्पू को गाड़ी कंपनी ने फ्री में गिफ्ट किया था। तो उस कंपनी ने हमसे लोन लिया था, हमने गाड़ी उठा ली बस। अरे कंपनी ने लोन लिया तो फिर मेरे से क्यों पैसा लेते वापस है? चाय पीते हो? पीते। दूध कहाँ से लेते हो? वो दूध वाला देके जाते हैं। पैसा किसको देते हो? दूध वाले। गाय को सीधा तो नहीं जाके देते ना? समझ में आया नहीं आया? एक मिनट, आपने जो बोला मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन तुमने जो बोला तुमको समझ में आ गया। तुम्हें क्या लगता है हम लोग सोच समझ के बोलते हैं? ऐसे फ्लो फ्लो में आ गया, बोल दिया हमने। चल तेरा ऊपर वाला बटन खोल दूंगा मैंने तो, चल। मैं पुलिस को बोलूंगा तुम्हारा फ्लो ठीक करने। पुलिस, 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 ये पुलिस को क्यों बुला रहे? कुछ तो गड़बड़ है, बता रही हूँ मैं। और नहीं कुछ गड़बड़ नहीं मैडम, उसने पिछले महीने 1,00,000 रुपया जमा कराया था, उनके 14,580 करोड़ बन गए, तो उनको ले जाने में टेंशन हो रही, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन लेने गए, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो सेक्रेटरी, 5 और 3 कितने होते भला? 8 ना, ओके। ये देखिए हमारे एक और कस्टमर आ गए, वेलकम टू द बैंक सर। हेलो हेलो सर, हेलो सर। Myself, बजाज माल्या। बजाज माल्या? ये कौन बजाज माल्या? अरे 1,00,000 रुपए क्या आ गए आपके बैंक में? आप अपने मालिक को भूल गए? ये आपके बैंक की ओनर है? हटिए हटिए। हेलो सर, मायसेल्फ टीचर। आप ही है ना जो जुआ खेल के पैसे डबल करते हैं? लेकिन आप तो यहाँ पे तो जुआ कौन खेल रहे? मैं कैश ही तो लेने आया हूँ यहाँ पे, वहाँ मेरी चाल रुकी हुई है। हेलो, आपके पैसे आएंगे, अब चलिए यहाँ से। अपने मालिक से कोई ऐसे बात करता है? हेलो, आपके पैसे आ जाएंगे, अब चलिए यहाँ से। इनकी बदतमीजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। You are discharged. Discharge का मतलब मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ? I mean suspended. Suspend क्यों? इस बैंक के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। Suspended. Suspended. मैनेजर साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप क्या लेंगे सर? मेरी नौकरी जा रही है, उसके बारे में कुछ बोलो। या साहब मैं तो खुद इनसे बड़ा परेशान हूँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, दफा हो जाइए यहाँ से आप। आप दोनों को ये बहुत महंगा पड़ेगा। मैं जाता हूं। इस बैंक को जेड सिक्योरिटी की जरूरत है, जितना भी पैसा है वो मुझे दे दो। वो ऑलरेडी मैंने अपने हवाले कर लिया है, आप कहें तो 50-50 कर ले। अरे आप लोग बैंक मैनेजर हैं, चोर डाकू जो 50-50 कर रहे हैं पैसा। देखिए आजकल बहुत ज्यादा डाके पड़ रहे हैं, तो 50-50 करके 100% पैसा सेफ हो जाएगा, आपको 10% डरने की जरूरत नहीं है। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, सारा कैश मेरे हवाले कर दो। जस्ट आपका नाम लिया चोर डाकू और आप आ गए। लुक हु इज हियर, वेलकम वेलकम। हेलो मिस्टर टीचर। भाई वाह वाह, मानना पड़ेगा हमारा बैंक तो काफी मशहूर हो गया, चोर डाकू भी अब यहाँ पे पैसे जमा कराने आते हैं। मैं कैश जमा कराने नहीं आया, मैं बैंक लूटने आया। इधर 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 इधर, सारा कैश मेरे हवाले कर दो। ये क्या तरीका है पैसे निकलवाने का? पहले फॉर्म भरिया, हम साइन मैच करेंगे तब आपको पैसे देंगे ना। साइन मैच करने? साइन तो मैच हो रहे हैं, और पैसे चाहिए तो मैं इसके झुमके और कड़े भी उतरवा दूं आपको। अरे मैं नहीं दूंगी अपने कड़े। इसने कड़े शब्दों में कह दिया कि ये कड़े नहीं देगी। बकवास बंद करो, और तुम हे बड़े जुड़े वाली, क्या सारे पैसे इधर लेके आओ। हट। अरे सारा पैसा जल्दी इधर लेके आओ, मैं जूड़े पे गोली मारूंगा, उड़ता जाएगा ये। ऐसे कैसे पैसे दे दूं आपको? देखिए बच्चे को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के मैंने पैसे कमाए, और देखिए डाकू भाई साहब, आप बिना अगर पढ़े होते तो डाकू वाकू चोरी गिरी नहीं करते, आप ही किसी बैंक में मैनेजर लगे होते। पकड़ो जरा। हाँ। आपको पता है हम लोग डाकू आप लोगों की वजह से बने हैं। हाँ, आप लोग इतनी पनिशमेंट देते हैं बच्चों को, मेरे को इतना गुस्सा था, मैंने डाकू बनना था, मैंने डाकू बंदूक दो वापस, पैसे दो इधर। भाई मानना पड़ेगा। मान लो मान लो मान लो, मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ। डाकू बनना कोई आसान काम नहीं होता।
कड़ी धूप में घोड़े पे इतने गंदे गंदे बाल लेके बैठना, बदबू मारना, भाई बहुत मुश्किल है डाकू बनना। मैं तो चलो डाकू, आपने सूर जैसे बाल क्यों रखे हुए? अपने बाल देखो पहले। आपको पता है डाकू बनना कितना मुश्किल है? बहुत ज्यादा। कितना हिसाब किताब रखना पड़ता है? कितने आदमी थे, होली कब है, सरकार ने कितने इनाम रखे है, कितने कितने कोस दूर तक बचा, सारे हिसाब किताब रखना पड़ता है, ऐसे डाकू बन जाते। हेलो स्वीटी, पर तुमने गोलियां कैसे पैक की, सारी निकल रही मेरी। तुम ढंग से काम नहीं करना तो किसी और से शादी कर लो। मैंने गोली मार दूंगा मैं, सारा कैश मेरे वाले, सारा कैश वाले कर मेरे। गोली मारने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट चेक करो। गोली मारूंगा मैं, मैंने तीन तक गिनना है। अरे ऐसे कैसे तीन, मैं 100 तक सुनूंगी। मैं तेरी माँ से ट्यूशन नहीं पढ़ता रहा हूँ। गोली मार दूंगा मैं। तुम हाथ ऊपर करो, ऊपर करो हाथ। बंदूक मेरे हाथ में। अच्छा मैं हाथ ऊपर कर लेती हूँ। पूरे ऊपर करो। हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो। मैं एक हाथ नीचे कर लूं। पूछ के कर लिया बस जो है। बंदूक मेरे हाथ में, मैं अगर मेरे को कहीं पता चल जाए ना चलती कैसे, मैं गोली मार देनी मैंने। हाथ ऊपर करो, कोई हाथ नीचे नहीं करेगा। खुजा भी नहीं सकते? मैं खुजा देता हूँ, कहाँ हो रही खुजली बताओ। बताओ यार, मैं तुम कस्टमर है तुम्हारे साथ, इतनी भी खुजली नहीं है। बताओ मेरे को, तुम्हें बड़ी खुजली होती है, ऐसी जगह गोली मारूंगा ना डॉक्टर को नहीं बता पाओगे कहाँ लगी है। आप बंदूक मुझे पकड़ा दो, खुजली कर ले खुद। इधर आओ यार, तुमने बहुत अच्छी बात की है। मैं तो पहले क्या बात है तेरी, पैसे निकालो फटाफट, पैसे निकालो, मुझे गंदी गालियां भी आती है। पापा, पापा, पापा। बेटी। पापा किसकी बेटी हो? डॉक्टर गुलाटी, शर्म आनी चाहिए आपको, मतलब शर्म आनी चाहिए। अरे आप फ्रॉड कर रहे हो। अब कहाँ फ्रॉड हो रहा है, अब तो पकड़ा गया ना। तो आप शादी करके इसको साथ में ले जाएं, वैसे भी इसका सपना था कि इसके सपनों का राजकुमार घोड़े पे आएगा, और आपके पास घोड़ा तो होगा ही अपना। वैसे आप पैसों का क्या करेंगे? मैं 3 साल से अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट नहीं दिया मैंने। मैं गिफ्ट लेके दूंगा। ओह सो स्वीट, एक ये डाकू है जो अपनी गर्लफ्रेंड का कितना ख्याल रखता है, और एक वो कप्पू है गधा, मुझे परवाह भी नहीं करता। खबरदार अगर उस कप्पू का नाम लिया तो। खबरदार जो उसके बारे में एक बार मामा गोली मार दूंगा। आपको इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है डाकू साहब? तकलीफ तो मुझे तेरे से नहीं, मैं तेरे मार नहीं तेरे बंदूक। कैसे अनप्रोफेशनल डाकू है, आए और सीधा गोली थान दी। ये नहीं देखा दो लड़कियां खड़ी हैं, आइटम डांस ही करवा लूं। मैं इधर ना डाका मारने आया, मैं इधर डांस ऑडिशन ही लेने आया। ऐसे कैसे नहीं लेंगे आप ऑडिशन? इतना बड़ा सपना था मेरा, कि एक दिन एक डाकू घुड़सवार घोड़े पर सवार होके आएगा, सा 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 रे 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 रे, और मेरा डांस का ऑडिशन लेगा। कर ले यार डांस, मारो यार डांस, मरी जा रही डांस। चलो 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 चलो, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। हमारा ऑपरेशन हुआ है, कोई जगह अपनी जगह से नहीं लेगा। सब अपनी अपनी जगह पे खड़े रहो, अभी खड़े तो है यार। मेरी इधर नहीं, नहीं मेरी बात पे थी जगह पे, इधर हम लोग हिले। मेरी ये जगह थी, मैं यहां, मेरे पास मेरी जगह यही थी, मेरी इधर जगह थी, अपनी अपनी जगह पे खड़े रहो। मेरी जगह यही, नहीं मैं यहां, तू उधर था पहले, मैं इधर था पहले, मैं यहां। चलो मेरी इधर, बहन जी आप उधर देखिए, आप बहन जी आप यहां आ गया, मेरी जगह यही है, मेरी इधर यार, मैं इधर खड़ा था पहले। रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगा, मैं भी चला दूंगा। तुम गोलियां चेक कर लो चलाने से पहले, भी उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गया। कई बार गोली एक्सपायरी डेट पे गोली खा के रहेगा तू, तेरे को उन्होंने गोली चला देनी है। अरे यार इतना अच्छा डांसर था, आपको भी अभी आना था। इंस्पेक्टर डीआईजी कभी जुर्म के बाद नहीं आता, वारदात के पहले ही पहुंच जाता है। बड़ी बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी वारदात के साथ टाइम पे पहुंच जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जितना भी पैसा है इस बैंक में सब निकाल के मुझे दे दो, और सरला तुम जाके मेरी गाड़ी में बैठो। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों जाके तुम्हारी गाड़ी में बैठूं? यार कोई भी मेरी गाड़ी में बैठती नहीं है। कोई अपने जगह से लगा नहीं। अरे ये क्या फैशन आया यार इस दुनिया में, जो भी आता है यहाँ बंदूक लेके की बात कहता है, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और कहाँ हिल रहे हैं यार हम अपनी जगह से, जब तक
मेरे को मेरा गाड़ी नहीं मिलेगी, इधर से कोई जाएगा नहीं। और मेरा भी 1,00,000 रुपए जमा है इनके पास। अच्छा तुम्हें अपने 1,00,000 की पड़ी है, मेरे 1,500 जमा है, उसका क्या? अगर अब किसी ने बकवास की ना, मैं 6 की 6 खोले इसका पेट में, तुम अपना पेट अंदर खींचो, तुम्हारे नजायज लगेगी, मारनी मैंने उसके तुम्हारे निकलते निकलते लग जाएगी। सर सर एक्सक्यूज मी, सर आपका मुच्छी थोड़ा नीचे। क्या मुच्छी थोड़ा नीचे आ रहा है? अच्छा वो आई एम एक्सपीरियंस मैं करता हूं प्लीज। बिना मूंछ के तो तुम बिल्कुल कप लग रहे हो। आपको पता है आपकी मूंछ उतार दो ना तो आपकी शक्ल मेरे घोड़े जैसी है। तुम्हारे पास तो घोड़ा है ही नहीं। मेरा घोड़ा डॉक्टर बन गया ना। तुम हमें शरेआम धोखा दे रहे हो। तो क्या धोखे को शरेआम देता? अभी ने मैं क्या कहता हूँ काफी शर्मा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates